नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। जिला भाजपा ने केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार सिंधे का किया पुतला दहन। मानगो जलापूर्ति योजना हुई बनकर तैयार, लेकिन आदेश का अब भी है इंतजार। और 25 जनवरी को देश भर में मनाया जाएगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार सिंधे के बयान का भाजपा ने पुरजोर विरोध शुरू कर दिया है। पूरे देश भर में भाजपा सिंधे के द्वारा किए गए बयान के खिलाफ प्रदर्शन और पुतला दहन कर अपना विरोध जता रही है। इसी क्रम में भाजपा के कदमा मंडल ने कदमा मुख्य बाजार में गृह मंत्री सुशील कुमार सिंधे का पुतला दहन किया। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार सिंधे के द्वारा दिए गए बयान, जिसमें भाजपा को आतंकवादी संगठन बताया गया है, भाजपा ने इस बयान का देशव्यापी विरोध शुरू कर दिया है। जमशेदपुर में भी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पुतला जलाकर अपना विरोध जताया। कदमा मंडल के भाजपा कार्यकर्ताओं ने कदमा बाजार में पुतला जलाया और जमकर सिंधे के विरोध में नारेबाजी की। आज पूरे देश भर में गृह मंत्री सुशील कुमार सिंधे का पुतला दहन का कार्यक्रम कर रही है, उनके खिलाफ आंदोलन कर रही है। उसी के कड़ी में भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर की तरफ से आज सभी मंडलों में गृह मंत्री सुशील कुमार सिंधे का पुतला दहन चल रहा है। इसी के तहत कदमा में भी भारतीय जनता पार्टी कदमा मंडल की ओर से आज गृह मंत्री का पुतला जलाया गया और हम लोगों ने मांग किया कि गृह मंत्री इस्तीफा दें और जब तक अपने माफी मांगे देश से। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आतंकवादी कहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी उबाल है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि गृह मंत्री जल्द से जल्द इस्तीफा दें। अगर इस्तीफा नहीं देते हैं जब तक, तब तक हम लोग इस आंदोलन को और आगे तेज करेंगे। और अब मानगो वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। जी हां, मानगो वासियों को पानी अब जल्द ही मिलने लगेगा, ऐसी संभावना बताई जा रही है, क्योंकि वर्षों से बन रही मानगो जलापूर्ति योजना अब लगभग बनकर तैयार हो चुकी है और बस्ती में पाइपलाइन का काम भी लगभग पूरा हो चुका है और मानगो वासी इस परियोजना के पूरे होने से काफी खुश नजर आ रहे हैं। मानगो में गर्मी आते ही पानी की समस्या से लोगों में कोहराम मच जाता है और मानगो वासी मीलों मील दूरी तय कर पीने का पानी और घरेलू इस्तेमाल के लिए लाते थे और ज्यादातर सार्वजनिक नल खराब पड़ने से मानगो वासियों की सबसे जटिल समस्या पानी ही होती थी। चूंकि मानगो क्षेत्र में जनसंख्या काफी ज्यादा है और पानी के स्रोत कम होने से लोगों की परेशानी और बढ़ जाती थी। अब जलापूर्ति योजना के तैयार हो जाने से लोगों की समस्या का संपूर्ण रूप से निदान हो जाएगा। उधर जुस्को के प्लांट इंचार्ज के अनुसार जलापूर्ति योजना से पूरे मानगो क्षेत्र को पानी उपलब्ध कराया जा सकता है और अगर बिजली की समस्या ना हो तो जलापूर्ति योजना में कोई परेशानी नहीं होगी। मंगल बन चुका है, लगभग बन चुका है, थोड़ा सा कम बाकी है, लेकिन इन द मेंटम वो साइमल्टेनियस के चल सकते हैं। लगभग रेडी है, अभी पानी देने के लिए हम लोग यहाँ से रेडी है। वो तो नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन का अलग से टीम हुआ है, हम ऑपरेशन का आदमी है, तो डिस्ट्रीब्यूशन का जो आदमी है समझेगा, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो समझेगा। पानी मिल सकता है? पानी तो अभी लगभग जो 5 नंबर में शायद अभी अभी रेडी है, यानी सब दे सकते हैं। कितने लोगों को पानी पिलाने पिलाया जाएगा? ये जो प्लान बना है तो पूरा मांगो एरिया के पिला सकते हैं। बहुत बढ़िया प्लान बना हुआ है, हाई स्ट्रेंथ का भी है, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कुछ पूरा मांगो एरिया में हो सकता है। सर, जो यहाँ की समस्या है वो उससे लोग निजात पा रहे हैं? हाँ हाँ, समस्या तो बहुत कुछ है। पावर का थोड़ा प्रॉब्लम ठीक रहेगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, पावर ही मेन प्रॉब्लम है यहाँ का। पावर ठीक रहेगा तो कंटिन्यूस रहेगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, पानी का समस्या तो हल हो जाएगा। जहाँ एक तरफ स्थानीय लोगों में पानी मिलने की खुशी दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी तरफ पानी के कनेक्शन के लिए स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र एवं अतिरिक्त कर भी लिए जा रहे हैं, जिसको लेकर लोगों के अंदर थोड़ी सी निराशा दिखाई दी है। स्थानीय निवासी के अनुसार अतिरिक्त करों पर छूट मिलनी चाहिए या फिर किस्तों में होनी चाहिए,
और कागजातों के लिए थोड़ा वक्त भी मिलना चाहिए ताकि हर मानगो निवासी को जलापूर्ति योजना का फायदा मिल सके। तो चल रहा था, काम चल रहा है, अभी भी पूरा काम हुआ नहीं है और कंप्लीट नहीं हुआ है, अधूरा काम है, लेकिन उम्मीद है कि पानी तो मिल जाएगा जल्दी। बहुत खुशी होगी, पानी का तो सख्त जरूरत है हम लोगों को। सबसे समस्या पानी की समस्या सबसे बड़ा है। अभी जो जिसको जो सरकार जो चल रहा है, जो प्लान है वो अच्छी प्रभाव है, अच्छा है, हम लोग की तभी खुशी है। सबसे खुशी जो कनेक्शन में पानी आए, पानी सब उपलब्ध हो, इलेक्ट्रिक का जो समस्या वो भी सॉल्व हो और पानी का कनेक्शन जैसे जो रुपया जो है आपका जो जैसा बोल रहा है जो इतना इतना कनेक्शन उसको थोड़ा आसान से आसानी से उपलब्ध हो जाए, यही पब्लिक का ये है। और क्या हम लोग का साधना, हम लोग सुन सबसे खुशी हुआ जो जिसको का पूरा पाइप ए टू जेड लग गया, कनेक्शन की जल्दी कब तक होगा, अभी तो सीढ़ी नहीं है तो ये जो है ना अभी कब तक सूचना तो नहीं मिला, लेकिन हम लोग को बहुत गर्व है और इसमें पानी कनेक्शन होने में हम लोग का यही जो शहरवासी बड़ी खुश हो गए। समस्या ऐसा है कि बहुत जगह पाइप जो है लीकेज है ना, और ये लीकेज के जो मामला है ये तो सुलझाए जल्द से जल्द जाए जिसको हो या सरकार हो, लेकिन हम लोग को तो सबसे बड़ी खुशी होगी। और सबसे पहले आप लोग से ये हम लोग आप लोग के माध्यम से ये नोटिफाइड कर जो आप ये इतला करें कि वहाँ जो हम लोग को कागज वगैरह जो मांगे जा रहा है बहुत पुराना और हम लोग को रेंट रसीद वाला जो ये हो रहा है इसका समस्या या वहाँ पर जो भी कागजात हम लोग से मांगे जा रहे हैं वो उपलब्ध हम लोग के पास अभी फिलहाल नहीं है, तो इसके लिए आप लोग को वहाँ पर ये बोलना होगा कि भाई जो पब्लिक जिसके पास कागजात अभी नहीं है मुकम्मल, कम से कम उसको कुछ समय दिया जाए या फिर जो भी हम लोग ये जो रेंट रसीद के जो जो मांग रहे हैं वो पैसे उसमें भी कुछ कमी किया जाए, और फॉर्म वगैरह का भी जो पैसे हम लोग से नाजायज लिया जा रहा है उस पर हमेशा बोला जा रहा है और इसके लिए कम से कम उसमें भी कुछ कमी किया जाए। और भारत निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस पर 25 जनवरी को तीसरा राष्ट्रीय मतदाता दिवस पूरे देश भर में मनाया जाएगा। हालांकि 25 जनवरी को जुलूस ए मोहम्मदी के अवसर पर सरकारी छुट्टी होने के कारण 24 जनवरी को ही सभी सरकारी कार्यालयों में मतदाता शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन कर लिया गया। जमशेदपुर जिला मुख्यालय में भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें उपायुक्त कार्यालय के सभी सरकारी अधिकारी पदाधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए और अपने मताधिकार का प्रयोग करने की प्रतिज्ञा ली। वहीं इस संबंध में जिला उपायुक्त ने बताया है कि मतदाताओं की सुविधा को देखते हुए हम कार्य कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो 18 वर्ष के आयु के हो गए हैं उनके नाम मतदाता सूची से जोड़ा जाए। वहीं सभी को मताधिकार के उपयोग करने के लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, साथ ही ये कोशिश की जा रही है कि मतदाता सूची में सभी मतदाताओं को फोटो अंकित हो। जिस तारीख को राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, इस बार ये तृतीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस होगा और ये भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना दिवस भी है, तो इसमें क्योंकि कल छुट्टी हो गई है इसलिए आज सभी कार्यालयों में हम लोग ने ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम निर्धारित किया और कि हम लोग शपथ लें कि हम लोग अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे ताकि हम लोग की जो डेमोक्रेटिक संस्था है उसको हम लोग अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित करें और उसको बहुत स्ट्रांग बना सकें। मतदाता सूची में कुछ बदलाव हुआ है? हाँ, दोस फिगर्स आर अवेलेबल, आप ले लीजिएगा इलेक्शन ऑफिसर से कितने नाम ऐड हुए हैं, कितने नाम कटे हैं, जो लोग चले गए हैं बाहर माइग्रेट कर गए, डेथ कर गए, तो उसने वो नेम्स डिलीट किए गए हैं और नए मतदाता जो विशेष रूप से जो 18 और 19 एज ग्रुप के हैं उनको जोड़ा गया है और हम लोग का जो अब मर्जर का जो प्रतिशत है वो अबाउट 93% है, दैट मीन्स 93% हम लोग का फोटो इलेक्ट्रोनल रोल हो गया और हम लोग का प्रयास सतत प्रयास हम लोग यही कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फोटोग्राफ्स हम लोग के पास आ जाए ताकि हम लोग का शत प्रतिशत जो इलेक्ट्रोनल रोल में मतदाता हैं उनके फोटोग्राफ्स भी मतदाता सूची में रहे। वहीं दूसरी ओर MGM अस्पताल में भी अस्पताल अधीक्षक ने भारत निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस के अवसर पर डॉक्टरों, जूनियर डॉक्टरों, नर्सों व कर्मचारियों को मतदाता प्रतिज्ञा दिलाई। बनाए रखेंगे, हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए।
और खबरों में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रही हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जन शिक्षण संस्थान के सेवानिवृत्त निदेशक सुश्री सविता रानी लेंका द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करने और संस्थान के कर्मचारी को प्रताड़ित करने के विरोध में असंगठित कामगार यूनियन के जिला उपायुक्त कार्यालय में एक दिवसीय धरना दिया और सांकेतिक भूख हड़ताल भी रखा। जन शिक्षण संस्थान के निदेशक सुश्री सविता रानी लेंका को निदेशक पद से हटाने और संस्थान के कर्मचारी ब्रजभूषण पांडे को दिए गए चार्ज शीट को वापस करने की मांग को लेकर सिंहभूम असंगठित कामगार यूनियन ने जिला मुख्यालय पर एक दिवसीय सांकेतिक भूख हड़ताल के साथ धरना दिया। साथ ही 15 दिन के अंदर मांग पूरी नहीं होने पर आमरण अनशन करने की धमकी भी दी है। इनका कहना था कि सविता रानी लेंका निदेशक पद से सन 2012 में ही रिटायर हो जाने की बाद में अपने पद पर भी बनी रही, उसके बाद अब अपने पद का दुरुपयोग कर रही हैं। इन्होंने प्रशासन से अविलंब कार्यवाही करने की मांग की है। जन शिक्षण संस्थान की जो प्रिंसिपल है श्रीमती सविता रानी लेंका, वह 2012 में रिटायर हो गई है, उसके बावजूद वो अपने कुर्सी पर अवैध तरीका से बैठी हुई है और हमारे एक यूनियन के साथी ब्रजभूषण पांडे जी को 12 साल पुराने क्वार्टर के मामले में मेडिकल कैंप झूठा आरोप लगाकर उनको चार्जशीट दिया गया है। हम चाहते हैं कि उनका चार्जशीट अविलंब वापस लिया जाए। प्लस जो हमारे जिस तरीके से वो चल रहा है, वो संस्थान को भारत सरकार बंद करने जा रही है, क्योंकि भारत सरकार की बातों को भी हम लोग RTI के माध्यम से मांग किए थे। भारत सरकार भी उसको बोल दिए कि आप कुर्सी खाली करो। तो सांकेतिक भूख हड़ताल कर रहे हैं सारे लोग। अगर आने वाले दिनों में ऐसा नहीं, इनको नहीं हटाया गया, हमारे लोगों को तंग करना बंद नहीं किया, तो हम लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। और उधर जमशेदपुर में 21 जनवरी की रात जेआरडी कॉम्प्लेक्स में आयोजित खेल प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे कोल्हान विश्वविद्यालय के कुलपति और कुल सचिव पर कुछ छात्रों द्वारा गोबर फेंके जाने के मामले में झारखंड छात्र मोर्चा के नगर उपाध्यक्ष हेमंत पाठक का नाम आने का झारखंड छात्र मोर्चा ने पुरजोर विरोध किया है। इन लोगों का कहना है कि हेमंत को जबरदस्ती इस मामले में साजिश के तहत फंसाया जा रहा है और उस पर मामला दर्ज किया जा रहा है, जबकि घटना को अंजाम दूसरे छात्र मोर्चा के वरीय सदस्यों ने दिया था। छात्र मोर्चा ने कुलपति पर झारखंड छात्र मोर्चा की अनदेखी करने का आरोप भी लगाया है। इस मामले को लेकर ये सभी झामुमो के पूर्व उप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर पूरे मामले की उच्च स्तरीय जाँच की मांग करेंगे। 21 तारीख का रात में जेआरडी कॉम्प्लेक्स के पास डीसी के गाड़ी में और रजिस्ट्रार के गाड़ी में गोबर फेंका गया, जो जिसमें अभी तक हेमंत पाठक का नाम आ रहा है, लेकिन ये हेमंत पाठक द्वारा नहीं किया गया था। यह हमारे नगर के और कोल्हान विश्वविद्यालय और पूरे झारखंड छात्र मोर्चा की तरफ से कुछ सीनियर छात्रों ने मिलकर किया था, जिसमें हेमंत पाठक सिर्फ साफ कर रहा था गोबर, उस बिना पे उसको दोषी बनाते हुए रजिस्ट्रार ने उनका नाम दे दिया। आगे हम लोग यही करेंगे कि अगर हेमंत पाठक का नाम वापस नहीं लिया जाता और इस हेमंत पाठक के ऊपर अगर कोई कार्रवाई होती है, तो हम झारखंड छात्र मोर्चा की तरफ से पूरा आंदोलन करेंगे, चाहे वो पैसे संबंधित हो या किसी स्टूडेंट के एडमिशन संबंधित हो। मैं उस बात को डांट उठा देता हूँ उस कॉलेज में, जिसके फलस्वरूप
वहाँ के प्रिंसिपल को हर्ट होता है कि हर काम में यही क्यों उठता है, हर चीज़ में कॉलेज का कुछ भी मैटर हो यही उठा देता है हर चीज़ में। तो इस वजह से उसने मुझसे पर्सनली दुश्मनी निभाया है। ये काम मेरे द्वारा नहीं किया गया है। रजिस्ट्रार के कहने पे मैं वहाँ पे उनकी गाड़ी पे लगा हुआ गोबर को साफ कर रहा था। वीसी की गाड़ी पे गोबर लगा था, रजिस्ट्रार साहब के कहने पे वो गोबर को साफ कर रहा था। उसी वक्त एक प्रेस बंधु के द्वारा फोटो लिया गया और डीपी शुक्ला के तरफ से गलत केस मुझ पे किया गया और मुझे पर्सनली साजिश के तहत मुझे फंसाया गया। बात इस घटना की जानकारी, पूरी जानकारी मैं अपने पार्टी के सबसे श्रेष्ठ हेमंत सोरेन जी को इससे अवगत कराऊंगा कि ऐसा झूठा केस मुझ पे किया गया है और उनके छात्र संघ से एक सदस्य होने के कारण वो इस केस की देखरेख करें और मुझे इस केस से बचाएं। और बाकी की खबरों के लिए चलते हैं प्रवीण के पास। धन्यवाद इंदु, मैं प्रवीण। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इन दिनों युवाओं में धूम्रपान का नशा जोर शोर से चल रहा है। हर चौक चौराहा के पान दुकानों में युवा वर्ग धूम्रपान करते नजर आते हैं, जिससे युवा वर्गों में बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। धूम्रपान के मद्देनजर विंग्स इंस्टीट्यूट आगामी 27 जनवरी को साक्षी गोल चक्कर से आम बगान तक धूम्रपान निषेध रैली निकालेगी। इस रैली में नुक्कड़ नाटक के जरिए युवाओं को धूम्रपान से हो रहे खतरनाक बीमारियों से अवगत कराया जाएगा। इस रैली में शहर भर के नामी गिरामी डॉक्टर भी भाग लेंगे। वी आर डूइंग अ ब्लैकआउट डे। ब्लैकआउट डे है जिसमें एंटी स्मोकिंग कैंपेन कर रहे हैं। ये कैंपेन बेसिकली यूथ्स को किस तरह हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं ताकि स्मोकिंग वो क्विट कर सके। 27th को हम एक साइलेंट मार्च कर रहे हैं फ्रॉम साक्षी गोल चक्कर टू आम बगान, फॉलोड बाय नाटक जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को अलग अलग तरीका बताएंगे कैसे आप स्मोकिंग से बच सकते हैं। उसके बाद हमारे पास 5 या 6 कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं जो आपको तरीके बताएंगे हाउ डू वी क्विट स्मोकिंग। बीच में आपके बैंड, लाइव म्यूजिक, डांस, सारे एंटरटेनमेंट्स के सारे साधन हैं जो आपको स्टूडेंट्स को एंटरटेन भी करेंगे, फॉलोड बाय हाफ एन आवर सेशन ऑफ सिंपल टेक्निक्स हाउ डू यू क्विट स्मोकिंग। और उधर खास महल में बना सदर अस्पताल को बने काफी समय बीत चुका है, लेकिन ये अस्पताल अब तक नहीं शुरू हो पाया। वहीं इस अस्पताल को लेकर विभिन्न राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में लगी हुई है। वहीं कुछ स्वयंसेवी संगठन भी इस अस्पताल को शुरू करने की मांग कर रहे हैं। इसी क्रम में स्वयंसेवी संस्था मां तुझे सलाम के बैनर तले स्थानीय लोगों ने जिला मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया और एक मांग पत्र भी सौंपा। खास महल के सदर अस्पताल को बने कई वर्ष बीत चुके हैं, पर अब तक ये शुरू नहीं हो पाया है। सदर अस्पताल के बन जाने से यहाँ के लोगों को लगा था कि काफी सहूलियत होगी, पर ऐसा नहीं हुआ। इसे शुरू करने की मांग को लेकर स्वयंसेवी संस्था मां तुझे सलाम ने जिला के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के कार्यालय के समक्ष आसपास के ग्रामीणों के साथ मिलकर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों से संबंधित एक मांग पत्र मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को सौंपा। इन लोगों का कहना था कि अस्पताल के बन जाने के बाद भी इसमें चिकित्सा सुविधा की उपलब्ध नहीं हो पा रही है। जरूरतमंदों को 15 किलोमीटर तक MGM अस्पताल का रुख करना पड़ रहा है, जिससे काफी परेशानी हो रही है। इन्होंने एक माह के अंदर इसे चालू नहीं करने पर जोरदार आंदोलन करने की चेतावनी दी है। कहते हैं कि यह क्षेत्र जो है साउथ जोन है और ये पंचायती क्षेत्र है और इस क्षेत्र में रहने वाले लगभग कोई टेम्पू चलाता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई कोयला चुनता है, कोई ठेकेदारी में काम करता है या सड़क के किनारे पान घुमटी को छोटा मोटा बिजनेस करता है। सभी लोग गरीब लोग हैं और इन गरीबों के ध्यान में रखते हुए इस हॉस्पिटल का निर्माण किया गया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक हॉस्पिटल जो है चालू नहीं हुआ, जिसमें करोड़ों रुपये खर्च हो चुके हैं और इसीलिए आज ये प्रदर्शन हो रहा है, मांग पत्र दिया जा रहा है कि गरीब के प्रति अगर आपको हमदर्दी है और चाहते हैं कि इन लोग भी हिंदुस्तान के लोग हैं, इनका भी संवैधानिक अधिकार है, तो बड़े लोग तो अपने अपने अधिकार को लेकर पैसे के बल पर एकदम सुखी जीवन बिता रहे हैं, लेकिन इन गरीबों के बारे में एक हॉस्पिटल जो बना, जो सरकार की तरफ से सुविधाजनक कमती दाम में या गरीबों का एक सहारा बना हुआ है, उसको चालू क्यों नहीं किया जा रहा है। और फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। की यह खबर प्राइवेट रजिस्ट्रेशन याहू जीवन में मार्गदर्शन ऑफकोर्स वन सॉल्यूशन श्रीवास्तव कोचिंग सेंटर लास्ट 4 इयर्स परफॉर्मेंस 100% रिजल्ट विद 75-80% फर्स्ट डिवीजन मैट्रिक। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप फॉर इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन, ट्यूशन फॉर ऑल सब्जेक्ट, स्पेशल अटेंशन, एक्सपीरियंस ट्यूटर फॉर टिस्को अप्रेंटिस, इंडो डेनिस टूल रूम, पॉलिटेक्निक एंड NTTF, स्पोकन इंग्लिश,
fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastav Coaching Center. Baridi, Gurdwara Road, Baridi. प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो, राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो। चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो। संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में। बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता: गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में मेन रोड साक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। शहर के एक युवक ने यूके की रहने वाली युवती के साथ जमशेदपुर न्यायालय में कानूनी रूप से विवाह रचाया। इस विवाह को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। शहर में एक ऐसी शादी हुई जिसने एक गाने की याद दिला दी जो हम कुछ वर्षों पहले सुना करते थे, सात समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। जी हाँ, कुछ ऐसी ही कहानी है यूके की रहने वाली एंडल और शहर के रवि शंकर झा की। एंडल और रवि के बीच प्यार की लहर उस समय उफान में चढ़ गई जब 2008 में रवि यूके के एवोंडिंग शहर में एक बैंक में नौकरी में गए जहाँ एंडल भी कार्यरत थी। धीरे धीरे नजरें मिली और प्यार का परवान चढ़ गया। फिर क्या था, एंडल को भारतीय संस्कृतियों से बेहद प्यार था तो उसने भी अपने एक साल के प्यार को जीवन भर साथ निभाने का सोच लिया और सात समुंदर पार शहर आ गई और अपने प्रेमी के साथ शहर के न्यायालय में शादी कर ली जहां एंडल दुल्हन के रूप में पूरी तरह भारतीय संस्कृति में डूबी दिखी। कहाँ गए शुक्ला जी? सतगुरु शर्मा का पिताजी का नाम क्या है? धर्मदेव। पैगंबर सल्लल्लाह तआला उसलम व विलादत के महीने के शुभ अवसर पर तहरीक पैगम इस्लाम की तरफ से एमजीएम अस्पताल में मरीजों के बीच फल का वितरण किया गया और साथ ही मरीजों के स्वास्थ्य की अच्छी कामना की गई। आज हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद है जिसकी खुशी में हम मरीजों के दरमियान फल बांट रहे हैं और फल बांट करके हम अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। कितने मरीज को फल बांट चुके हैं? हम तकरीबन 200 बेड 300 बेड हैं। हम 300 मरीजों के दरमियान फल बांटने का पूरा इरादा है। और आज का दिन आपका कैसा रहेगा जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशि फल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजकुमार मिश्र। आइए देखते आज का दैनिक पंचांग संबत 2069 साकी 1934 हेमंत ऋतु पौष मास शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि दिन शुक्रवार। आज आर्द्र नक्षत्र होगा दिन 12:18 तक। राहु काल का समय है प्रातः 10:30 से दोपहर 12 तक। मेष राशि मालिक मंगल। आज आपकी बुद्धि होगी बड़ी निर्मल। समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के उत्तम योग बन रहे हैं। व्यवसाय में खुशहाल रहेंगे। विद्यार्थी गण विद्याध्ययन में रत रहेंगे और गृहिणियां रहेंगी खुशहाल। राजनीतिक क्षेत्र वाले भी परचम रहेंगे। वृक राशि मालिक शुक्र। बिल्कुल आप रहेंगे स्वस्थ और मस्त। सनई सनई आपके कार्य बनते जाएंगे। दैहिक दैविक भौतिक तीनों सुख की प्राप्ति होगी। वाहन सुख भी आपके लिए। घर में सुगत समाचार आने के योग पर है। मांगलिक कार्य में भी आप संलिप्त रहेंगे। आज के दिन व्यवसायी गण परमानंदित रहेंगे।
मिथुन राशि मालिक बुद्ध। बुद्धि के योग के द्वारा ही समाज में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी और वाणी की सक्षमता ही आप जाने जाएंगे। आज आपके गाने होंगे वास्तव में धनागम के उत्तम योग रहेंगे। कोशाईगण तो खुशहाल रहेंगे ही, लेकिन आज मान हानि के योग बन रहे हैं राजनीतिक क्षेत्र वालों के लिए। आपके लिए उपाय है प्रातः काल ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करेंगे लाभप्रद होगा। कर्क राशि मालिक चंद्रमा। धनागम के साथ साथ आपके बन रहे हैं अपव्यय के योग। लेन देन में भी सावधानी बरतें, सहजता पूर्वक कार्य करेंगे। प्रातः काल उठे अपने इष्ट देव की आराधना करें, माता पिता को प्रणाम करके आप घर से निकलते हैं, आपके सारे कार्य बनेंगे। सिंह राशि मालिक सूर्य। होंगे आप बड़े प्रवीण दक्ष होंगे, सूरवीर होंगे, प्रतापी होंगे, सहजा अनुभव होंगे। आज आप बड़े यशस्वी होंगे, धनागम के उत्तम योग रहेंगे, क्योंकि आज विशेष करके व्यवसायियों की नवीन योजनाएं सफल होने जा रही है और आज आपके रुके हुए धन भी मिलेगी। आज के दिन गृहणियां बहुत ही आनंदित रहेंगी। कन्या राशि मालिक बुद्ध। आनंद फान में लिया गया निर्णय आपके नुकसानदायक साबित हो सकता है। लेन देन में सावधानी बरतें, साथ ही साथ अपने आप बड़ों का आदर करेंगे, आपके लाभप्रद होगा। आज के दिन सामाजिक कार्यकर्ता परचम हराएंगे और व्यवसाय के व्यवसाय में उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे। राशि मालिक शुक्र। बिल्कुल आप स्वस्थ रहेंगे तन और मन से, धनागम के उत्तम योग रहेंगे। आज आपका ही दिन है, परचम हराएंगे। आज आपकी इच्छित फल की प्राप्ति होने वाली है। दोपहर 12 बजे के बाद सुखद समाचार के योग बन रहे हैं। घर में रहेगा खुशियों का माहौल। चित्र राशि मालिक मंगल। धनागम के तो उत्तम योग रहेंगे, लेकिन ध्यान रखना होगा वाणी पर आप संयम बरतें और क्रोध पर संयम बरतेंगे तो आपके लाभप्रद होगा। वैसे घर के छोटे मोटे झगड़े झंझट से आपको बचना होगा, पड़ोसियों से भी सामंजस्य बनाकर रखना होगा। बड़े ही आज आप प्रतापशाली होंगे, प्रभावशाली होंगे। माता पिता को प्रणाम करें, मस्तक पर सफेद चंदन का लेपन करें, गाय को भोजन अवश्य कराएं, लाभप्रद होगा। धनुराशि मालिक बृहस्पति। बुद्धि आज आपकी बड़ी निर्मल होगी, परोपकार की भावना से अब आच्छादित रहेंगे। शुभ समाचार के योग बन रहे हैं, वाहन सुख भी आपके लिए है, इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। आज आपके परिजन भी खुशहाल रहेंगे, माता पिता भी आज सहज ही आनंदित रहेंगे। बड़ा ही आज भाग्योदय का समय होगा आपका। मकर राशि मालिक शनि। धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के योग बन रहे हैं और हाँ, आज आपको वाहन चलाते समय सजग रहने की आवश्यकता है। लेन देन में भी सावधानी बरतेंगे, क्योंकि आज आप पर शत्रु भी भारी पड़ रहे हैं। आपके लिए एक उपाय है, प्रातःकाल आप सफेद अन्न का दान करेंगे, वह लाभप्रद होगा। भरासी मालिक शनि। आज आप नई स्फूर्त के साथ कार्य आरंभ करेंगे प्रातः काल से। उद्यम आपके हाथों से आज होगा, संयम आपको बरतने की आवश्यकता है। इष्ट मित्रों के कार्य में आप लगे रहेंगे, संलग्न रहेंगे। मांगलिक कार्य भी आज आपके हाथों से होगा, किसी भी यात्रा भी संभव है। अपने सपरिवार आप जाएंगे मांगलिक अथवा धार्मिक यात्रा में, माता पिता का भी आज सहयोग प्राप्त होगा। परिजन के अनुसार बिल्कुल आप स्वस्थ रहें, निश्चिंत रहें। राशि मालिक बृहस्पति। मधुर भाषी होंगे आप, मिष्ठान भोजन आपको आज प्रिय होगा। भोजन के साथ साथ आपकी सुखद यात्रा भी बनेगी, उस सुखद समाचार से भी आप बड़े ही प्रसन्न होंगे। आज आपके बहुत दिन रुके हुए कार्य बनेंगे, रुके हुए धन की भी प्राप्ति होगी। व्यापारी गण आज बहुत खुशहाल रहेंगे, क्योंकि आपकी नवीन योजना सफल हो जाएगी। और रही बात राजनीतिक क्षेत्र वालों का, परचम लहराएंगे, विद्यार्थी गण भी रहेंगे खुशहाल। और किसी भी अनुष्ठान पूजा पाठ अथवा कुंडली की विशेष जानकारी के लिए हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। तो आज के राशि फल बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और छत्तीसगढ़ देखने डालते हैं आपके। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री।
जिला भाजपा ने केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार सिंधे का किया पुतला दहन। मानगो जलापूर्ति योजना हुई बनकर तैयार, लेकिन आदेश का अब भी है इंतजार। और 25 जनवरी को देश भर में मनाया जाएगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.rtv.com। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ, तब तक के लिए राष्ट्रीय।